आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। शुरुआत कर रहे हैं एक हैरान करने वाली तस्वीर के साथ। ये लॉकडाउन की सबसे कड़वी तस्वीर दिखाती है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में लोगों ने पानी की बॉटल्स लूट ली। दरअसल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पानी की बॉटल्स को स्टोर करके यहाँ पर रखा गया था, लेकिन जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहाँ पर पहुंची तो लोगों ने प्लेटफॉर्म पर रखे हुए पानी को लूट लिया। ऐसा नहीं है कि इन्हें पानी की कोई कमी है ट्रेन में, इन्हें पानी भी दिया जा रहा है, इन्हें खाने का सामान भी दिया जा रहा है। इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन को फ्री ऑफ कॉस्ट इन मजदूरों के लिए चलाया जा रहा है। तब भी इंतहा देखिए, कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है इन मजदूरों का। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, बहुत ही हैरानी हो रही है इस तस्वीर को देखकर। क्या ट्रेनों में पानी खाना मुहैया नहीं करवाया जा रहा है कि इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही है, लूट मची हुई है? मीनाक्षी, यही सबसे आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो भी श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं, सभी श्रमिक ट्रेनों में न सिर्फ मजदूरों को बाकायदा खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, बल्कि चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, बाकायदा उनके लिए छाछ का भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीरें पहले कानपुर से आई थी, अभी चंदौली से आए, कि कभी खाने के लिए मारामारी हो रही है, खाने को लूटा जा रहा है। अभी जो चंदौली की तस्वीर आई है, जिसको अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, उसमें जिस तरीके से पानी के ऊपर लूट मच गई, ये अपने आप में समझा सकता है कि जिनके पास लगातार खाने की सप्लाई दी जा रही है, जिनसे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पहुंचाया जा रहा है, ऐसे में इस तरीके की बेकरारी आखिर किस बात की है, इस तरीके की बेचैनी उनके अंदर क्यों रहती है, ये वाकई में समझना बेहद मुश्किल है। क्या DRM से या प्रशासन से इस मामले में आपकी बातचीत हुई हो, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारी DRM से ही बातचीत हुई है, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो संबंधित लोग हैं उनसे भी बातचीत हुई है। उनका कहना था कि बोतल्स को वहां पे प्लेटफॉर्म पे ले जाकर के रखा ही गया था और दूसरा जो स्टॉक है उसको उठाने के लिए बाकी लोग गए हुए थे, इतने में ट्रेन वहां पहुंचती है। चूंकि जो स्टॉक करने वाले लोग थे, मजदूर थे, वो थोड़ा आगे चले गए थे, निश्चित तौर पर किसी ने इंतजार नहीं किया, पूछने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि जब तक एक सिग्नल नहीं दे दिया जाता है चंदौली स्टेशन से, तब तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन मजदूरों के अंदर किसी भी तरीके का सब्र नहीं था, वो फौरन टूट पड़े। उन्होंने जो बॉटल चाह रहे थे कि यहाँ पर जिन बॉटल्स को स्टोर किया गया था, ये इन्हीं लोगों के लिए स्टोर किया गया था। बिल्कुल मीनाक्षी, श्रमिक स्पेशल जो ट्रेन आ रही है, क्योंकि इस समय हो ऐसा रहा है मीनाक्षी कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ट्रेन चल रही है रेलवे स्टेशन के जरिए, रेलवे के जरिए, तो उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादा ट्रेनों का आवागमन है ही नहीं। तीन तीन घंटे, चार चार घंटे पे एक ट्रेन आती है और इसी ट्रेन के लिए बाकायदा सभी पानी की व्यवस्था की गई थी। लेकिन मजदूरों ने जैसे ही पानी देखा, वो बिल्कुल बेकाबू हो गए, वो बिल्कुल पानी की बोतल पर इस तरीके से टूट पड़े जैसे लगा कि शायद उन्होंने पानी पिया ही नहीं है पूरी यात्रा के दौरान। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम इन तस्वीरों के साथ साथ एक संदेश भी देना चाह रहे हैं। ये बात हम मजदूरों को समझाना चाह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर रखी हुई इन पानी की बॉटल्स को आपके लिए ही रखा गया है, ये आपकी सुविधा के लिए ही पानी की व्यवस्था की गई है, ये पानी की बॉटल्स आप ही लोगों तक सप्लाई की जाएंगी। आप जो मजदूर लगातार ट्रेन से सफर कर रहे हैं और अपने घरों तक जा रहे हैं, इसलिए ये बेचैनी मत दिखाइए, ये लापरवाही मत करिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप लोगों को ट्रेन से सफर इसलिए करवाया जा रहा है कि कोरोना का खतरा ना फैले, और अगर ऐसे में भीड़ जुटाते हुए अगर आप लोग लूट मचा देंगे प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखेंगे, तो प्रशासन के द्वारा की गई इन तमाम कोशिशों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये तमाम कोशिशें जाया हो जाएंगी। यही समझाने की, विशाल, मेरे ख्याल से प्रशासन को भी ये समझाने की जरूरत है कि जब स्टेशन से प्लेटफॉर्म्स पर गाड़ियां खड़ी हों तो मजदूरों को संयमित रखा जा सके। मीनाक्षी, हैरानी की बात ही यही है कि जब एंट्री दी जाती है किसी भी रेलवे स्टेशन में इस समय श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के दौरान, तो सभी की थर्मल स्कैनिंग की जाती है, सभी के बीच में डिस्टेंस रखा जाता है, मास्क सभी ने लगा रखा हो, गाइडलाइन जो केंद्र सरकार की हैं वो सारी गाइडलाइंस बताई जाती हैं। ट्रेनों के अंदर भी इस तरीके की व्यवस्था की जाती है कि कहीं से भी ट्रेन ओवर क्राउडेड ना होने पाए, ताकि मजदूरों को अव्यवस्था भी ना हो। बिल्कुल विशाल, यही समझने की जरूरत है कि तमाम मेहनत पर पानी ना फिर जाए, इस बात का ख्याल हर किसी को रखना होगा, प्रशासन को भी और इन मजदूरों को भी जो इन ट्रेन के जरिए ट्रैवल कर रहे हैं। शुक्रिया पूरी।